हे गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम एक बार फिर से लेकर आए हैं झंड जी की नई वीडियो। तो चलिए देखते हैं झंड जी ने वीडियो में क्या किया है, वीडियो का रोस्ट किया है या फिर कुछ और नया किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और वीडियो के बाद वीडियो के बारे में बात करेंगे। और वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। होता है असली गीत संगीत। मजा आया। अरे आज कल का निर्मा वाशिंग पाउडर के झाग से पैदा हुए नए नवेले सिंगरों को क्या पता गीत संगीत का होता है। बात तो सही है। अगर गीत संगीत के बारे में कुछ सीखना है तो आज के 3000 साल पहले हड़प्पा की खुदाई से निकले हुए इस डायनासोर के अंडे से सीखो कि मूत कैसे पिया, मेरा मतलब गाना कैसे गाया जाता है, समझे? वाह, कितना उच्च विचार का गाना है। वाह, थोड़ी मर्यादा रखिए। खोपड़ी तो साले का डार्लिंग होता वो का खेले चलो मुखिया के रहरिया में। शाबाश शाबाश मिस्टर राधे श्याम, शाबाश। खेले चला वो मुखिया के रहरिया में। होक्का बुक्का तो कहीं भी खेल सकते हैं, असल में इन लोग को होक्का बुक्का नहीं खेलना है, ये चीतिया कुछ भी बोलता है। तो का हाल है? ठीक है दोस्तों, आज हम धरती के दो ऐसे विलुप्त हो चुके जीवों की बात करेंगे। विलुप्त हो चुके दुनिया से, मतलब गायब हो चुके कहेंगे। इनमें से एक जीव का नाम है गांडू। अबे क्या बोल रहे हो जी, गांडू रंगीला भांग खा के आओ का बच्चा। और दूसरे जीव का नाम है दाल भात बसिया, मेरा मतलब राधे श्याम रसिया। का बात बा? ये वही दो प्राचीन नायाब पुरुष हैं जिन्होंने भोजपुरी में अश्लीलता का आविष्कार किया। वाव, ग्रेट। इनमें से इस डायमंडी अंडे के बारे में तो हम कई बार बात कर चुके हैं। अच्छा, मगर इस चिंपांजी के 18वीं अवतार के बारे में आज हम पहली बार प्रमाणित विचार विमर्श करेंगे। प्रमाणित विचार विमर्श, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो पिछवाड़े पर जोर लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट यानी कि आपकी मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है। फिर भी आप में से कोई अगर इन इंसानी रूपी जानवर के फैन हैं और मेरी वीडियो देख करके अपनी लूटी हुई इज्जत जैसी फील कर रहे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप ज्यादा गुस्सा आने पर आप अपना पिछवाड़ा उठाकर किसी भैंस के खूंटे पर जोर से पटक कर दिया और सॉरी भी बोल दिया। महसूस कर लेंगे, क्लियर? ओके 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 ओके। हाँ तो चलो ने यार, 1000 अश्लील सिंगरों में से किसी एक सिंगर को सेलेक्ट करके अश्लीलता पर ज्ञान पेलने का शुरू करते और स्टार्ट करते हैं झंड जी का नया भाषण। नया भाषण का बात बा? इतना प्यार से बुलाइबू तो मूड मिजाज में विस्फोट हो जाए। विस्फोट हो जाए, मूड मिजाज में विस्फोट हो जाए, कोई सेंस है इस बात की? देखो भाई, पिछवाड़े से छोड़े हुए गैस को विस्फोट नहीं बोलते हैं। और इनको देखो, ऐसा लगता है कि मुंह से खाए हुए नूडल्स गलत जगह से बाहर आ रहे हैं। खाओगे और हगोगे। आ जाई, पिछला द्वारी खुलल बा, घर में केहू नहीं खे। केहू नहीं खे, केहू आ जाई तो? हाँ, डर बना रहना चाहिए। केहू आ जाई तो बंदे को अच्छे से पता है कि अगर कोई आ जाएगा तो मार के ऐसी चीज तोड़ेगा कि दोबारा किसी लड़की के घर जाने से पहले 50 बार सोचेंगे, साला टूटी हुई चीज से जाकर करूंगा क्या। गमछा बिछाई देब भुइया गांव के बहरिया में। हाँ, और उसी गमछे के ऊपर कटोरा लेकर बैठने का समय आ गया है भाई साहब का। डर रहे जमाना के वे बात हो गईल हो। हाँ, और पूरा करियर इनकर चौपट हो गईल हो। शाबाश। पीले पीले अमर राजा, पीले पीले। नहीं, किसी जमाने में ये भाई साहब भी सुसु पर खड़े स्टार कहलाते थे। सुसु पर खड़े स्टार, ये कौन सा कैटेगरी है भाई? अच्छी ठंड मेरा। बट उस समय इन्होंने भोजपुरी में इतना हग दिया कि इनका स्टारडम भी शर्मा कर बोला
बाद इनके स्टारडम ने इनको पिछवाड़े पर लात मार के निकाल दिया। अरे इनके जमाने में तो राजा खड़क करेजा में समा जाता था। राजा 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 करेजा में समा जा। साला करेजा भी कहर के बोलता होगा। अरे हमारे परम पूजनीय आदरणीय श्री श्री गांडू रंगीला जी के बाद भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में अश्लीलता के किसी महापुरुष ने अवतार लिया है तो वो है हमारे बसिया जी, मेरा मतलब राधे श्याम रसिया जी। हाँ गाने को कान लगा कर एकदम ध्यान से सुनना। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। बुनिया कह रहा मतलब जहाँ से तुम झाड़ रहे हो वहाँ से कौन सा बुनिया निकलता है भाई? वहाँ से बुनिया नहीं जांघिया निकलता है। बात तो सही है। जी शेर। अरे इसको झाड़ू पकड़ाओ यार, कोई बहुत शौक है इसको झाड़ने का। झाड़ू तो नहीं है, झाड़ू का बेट है, पूछो पकड़ेगा। ये तो सुपरस्टार है। ले भाई कपड़ा उतार के नया स्टाइल होगा। कपड़ा उतार कर जो झाड़ते हैं उसे बुनिया नहीं कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? चल छोड़ जाने दे, नहीं तो लोग कहेंगे कि धरती दिन तो हो क्या रहा, होता कहाँ जा रहा है, हो गया है ऑलरेडी। लोग कहेंगे कि डायलॉग बार बार मार रहा है। कहते हैं ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। भाई ने भी पूरी शिद्दत के साथ कहा था कि कपड़ा उतार लेने दे, उतर गए। कुदरत ने भाई की चड्डी तक उतरवा ली। चोली उठा के ढोढ़ी देखवले। अच्छा ये चोली इतना बड़ा होता है क्या कि ढोड़ी दिखाने के लिए उसे उठाना पड़े? अरे चोली उठा के ये हवेली दिखा देते हैं, तुम्हें ढोड़ी की पड़ी है। नहीं सिर्फ एक बार ये ढोड़ी देखो, परमाणु बम का परीक्षण यही हुआ था। खैर तो अब हम बात करने वाले हैं पाषाण काल के गेंडे, मेरा मतलब गांडू। अबे यार भाई क्या बोल रहे हो जी, गुड्डू रंगीला। गुड्डू रंगीला नहीं, गुड्डू रंगीला है भाई। वैसे तो इनके बारे में हम पहले भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं। शाबाश। बट बात अश्लीलता जैसे स्वच्छ विचारों की हो और उसमें गुड्डू भैया का नाम ना आए, ऐसे में तो अश्लीलता भी घुसिया के जूता चला के मार बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी ना। लगा भाई ये मॉडल देखो, जान दे देंगे इसके लिए। कसम लंबडंड वाले बाबा की, आदिमानों के जमाने में लकड़बग्घे से रेस लड़ा के आई हैं। कहीं देखे हो इतना? ना ना एकदम ना। अरे हम नारा है बरे। हाँ अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि उम्र के इस पड़ाव पर ये मुतपियाना के साथ क्या यार क्या क्या बोल रहा है, है ना? तो बात दरअसल ये है कि आज रात इनका मुतपियाना के साथ इसलिए झगड़ा हो गया क्योंकि मुतपियाना सबसे ज्यादा मुत खुद ही पी जाता था, इनको कम देता था। और आप गए थे वहाँ पर देखने के लिए? नहीं मतलब रस देखो यार, आ हा हा गाने में कितना रस है। साले मुत को रस नहीं कहते हैं। अबे कहते गाने को बोला रस, गाने में रस मुत। अच्छा मैडम एक बात बताओ कि ये मूत आप लोग गिलास में डाल के पीते हो या डायरेक्ट? नहीं मैंने पूछ रहा हूँ। ये देखो बिचखोपड़ा के पितियाउर मौसी के नानी का अस्तन दिखाया जा रहा है, सोच सकते हो कि कितने गिरे हुए लोग हैं। मोहतरमा डायनासोर के जमाने से सिर्फ 2 साल ही छोटी होंगी और इनका अस्तन हमें दिखाया जा रहा है। अपनी तरह सबको ठरकी समझे हो? कुछ शर्म आया है यार। बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज
लाइक करना, और पसंद नहीं आया है तो भी करना, जरूरी थोड़ी है कि हर वीडियो आपको पसंद ही आएगा। सही बात है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो नीचे देखो एक लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, देखो भैया हाँ लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबाओ, बाद में एक तो घंटा बन के आएगा उसको भी दबाना, फिर तीन ठो ऑप्शन आएगा, सबसे ऊपर आल पर क्लिक करना, बस हो गया सब्सक्राइब, इतू सा तो काम है, वो भी नहीं होता तुमसे। खैर थोड़ा सा काम और कर लो, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक है, दोनों जगह आप हमको फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो यार यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो चुकी है, और वीडियो हमें तो बहुत अच्छा लगा, आपको रिएक्शन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए, और चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।